हेलो दोस्तों, 2019 का साल एक महत्वपूर्ण साल था। इंडिया की जितने भी एसोसिएशन की मीटिंग थी, चाहे वो गुजरात एसोसिएशन की थी, महाराष्ट्र एसोसिएशन या तमिलनाडु, सब में ब्लू कैम इंडिया ने स्पॉन्सरशिप और साथ में प्रेजेंटेशन दिया था। हम लोग आमने सामने बैठ के चर्चा करते थे, जहां पर सवाल जवाब का सेशन भी हुआ था। और इनकी जाके हम हल्की सी दोबारा हम अपनी पुरानी याद ताजा करें। जिन्होंने इसको इंसेप्ट किया 1992 में, बाय क्वालिफिकेशन ही इज बी फार्मा, डी कॉम, डीईआईएम, बीबीए एंड एमबीए। अगला जिनको मैं बुलाने वाला हूं, उनकी कंपनी 75% प्रोडक्ट्स अपने एक्सपोर्ट करते हैं, जो मिडल ईस्ट, अफ्रीका, यूएई यानी दुबई यानी कि गल्फ कंट्रीज एंड एशियन कंट्रीज में जाता है। सो आई वुड टेक द ऑनर टू इनवाइट मिस्टर मिलन एस शाह, द डायरेक्टर ऑफ ब्लू कैम इंडिया। बचाऊंगा उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। प्लीज डू द ऑनर्स, प्लीज डू द ऑनर्स एंड जॉइन मी ऑन द डाइस। सो किस बारे में आज हम, एक टाइट कंपनी का है, मेरा नहीं है, बराबर है। आज इसके ऊपर हम सिर्फ ध्यान रखेंगे। डिटर्जेंट मार्केट आज की तारीख में 40% डिटर्जेंट केक का है और 60% पाउडर का है। धीरे धीरे लोग पाउडर की तरफ दौड़ रहे और केक का मार्केट धीरे धीरे कम होने लगा है। हर साल 3-3% पाउडर की ओर जा रहा है, पाउडर और लिक्विड की ओर जा रहा है। डिटर्जेंट मार्केट का भविष्य बहुत ही सुंदर है। 2025 में करीब $200 बिलियन पूरे दुनिया में बिकेगा। इसका और एक बात भी बता दूं कि इंडिया और चाइना बड़ी मार्केट है जो डिटर्जेंट दे रही है, तो शायद बिजनेस हमको ज्यादा मिलेगा। अब प्रॉफिट की बात किया जाए, अटू मोटू भंडोल से डिटर्जेंट, इसमें से 80-85% जितना भी मुनाफा है सिर्फ 10 और 15 कंपनी उठा रही है। सिर्फ 10 और 15 कंपनी 85% नफा उठा रही है और 15% के अंदर हम लोग सब मैन्युफैक्चर इकट्ठा होकर बना रहे हैं। रेशियो देखा जाए बहुत बहुत कम है। जो मार्केट का आज की तारीख में जिस तरह चल रहा है, HUL का शेयर है, PNG, निर्मा जितना भी है, इन सबका लिख दिया है, तो ये सब इनका शेयर है। हमारा शेयर सब 3000 को मिला के सिर्फ 15% प्रॉफिट हम ले रहे हैं। हम सबको मालूम है, एक मोबाइल था नोकिया, उसने कुछ बदलाव नहीं किया, खो गया। सो वी नीड सम चेंज, बदलाव जरूरी है। जैसे ट्रेंड पर क्या मांग रहे वैसा दे दीजिए। एशिया में डिटर्जेंट पाउडर बनाने के 3 तरह के प्रोडक्ट होते हैं। जैसे 15% प्रीमियम ग्रेड डिटर्जेंट पाउडर है, 50-55% मिडिल रेंज डिटर्जेंट पाउडर है और 35% लो ग्रेड डिटर्जेंट पाउडर है। अब हम तीनों प्रकार के डिटर्जेंट पाउडर कैसे बनाएं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। एक अच्छे डिटर्जेंट पाउडर के कुछ 9 लक्षण होते हैं। झाग तुरंत होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए और भारी से भारी पानी में झाग आना चाहिए। इसके अलावा चिकनाहट, हल्का सा साबुन सी फीलिंग आनी चाहिए। माल बर्फीला सफेद हो, यानी पाउडर दानेदार हो, मॉइस्चर फ्री हो। इसके अलावा परफ्यूम जो हम लगाते हैं, इसमें परफ्यूम का रिटेंशन पक्का हो, यानी परफ्यूम 1 साल तक टिके रहना चाहिए। माल में फुलावट हो, हाथों में मुलायम हो। सबसे ज्यादा चीज यही है कि दाग धब्बे उतने हटने चाहिए जितनी कंपनी हटा रही है। साथ साथ में दाम कम और माल में दम होना चाहिए। तीनों प्रकार के डिटर्जेंट पाउडर बनाने में हमें एसिड स्लरी, सोडा एच, सोडियम सल्फेट या नमक, डोलोमाइट, कलर स्पेकल्स, परफ्यूम, इन चीजों की तो आवश्यकता है। साथ में कुछ एडिटिव्स, जैसे हम फोमिंग एजेंट्स
AOSF, SLES फोम बढ़ाएगा, वाइटनिंग एजेंट से कपड़ा वाइट होगा, कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज जिसे एंटी रीडिपोजिटरी एजेंट्स कहते हैं, दाग एक बार लगने से दूसरी तरफ चिपके नहीं कपड़े में, इसलिए लगाते हैं एंजाइम्स दाग धब्बे पूरे हटाने के लिए, जो शायद ऐसी स्लरी नहीं निकाल सकता है उसे ये हटाएगा। कॉस्टिक कुछ एरिया में चलेगा, जैसे कि राजस्थान का एरिया हो या उत्तराखंड या फिर कलकत्ता के कुछ पट्टे में, सब जगह पर कॉस्टिक नहीं चलेगा, उस पानी में जहां पर सेट हो रहा है वहां पर ये कॉस्टिक चलेगा। इनके अलावा सिलिका, अगर मॉइस्चर आ रहा है तो हम सिलिका से हल्का सा मॉइस्चर हटा सकते हैं, पर यही चीज अगर मिश्रण बराबर ना हो और अधिकतर लगा दिया है तो ये तकलीफ कर देगा। AOS और SLES अगर बढ़ गया हमारी तरफ से तो मॉइस्चर बढ़ा देगा, शायद AOS से पीलापन भी ला लेगा मेटेरियल में जो पाउडर को पीला बना देगा। इसी तरह व्हाइटनिंग एजेंट अगर बढ़ा रहे तो व्हाइट तो होगा मगर क्लीनिंग कम हो जाएगा, साथ में CMC कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज से झाग कट जाएगा। उसी तरह चिलेटिंग एजेंट्स जैसे STPP, TSP या EDTA जो भी हम मिलाते हैं, जियोलाइट्स मिलाते हैं, तो इन सब चीज बढ़ने से क्लीनिंग में रुकावट आ जाएगी। साथ में ब्लीचिंग एजेंट अच्छा काम करेगा सफेद कपड़े में, पर अगर हमने रंगीन कपड़ा ले लिया तो रंगीन कपड़े में से कलर भी उतर जाएगा, ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। साथ में पॉलीमर्स की एक ऐसी होती है कि चिकनाहट देता है, पर ज्यादा पॉलीमर बढ़ने से मॉइस्चर आ जाएगा माल में, साथ साथ में चिकनाहट के साथ मॉइस्चर के साथ माल भी दब जाएगा, यानी फुलावट कम हो जाएगी। उसी तरह एंजाइम्स का भी एक ब्लेंड होता है, जितना हम स्लरी ले रहे उतना ही एंजाइम्स डालना है। मान लीजिए एंजाइम्स बढ़ गया तो भी झाग कट जाएगा, साथ में कॉस्टिक ज्यादा लगा दिया, जैसे मैंने कहा है कुछ ही एरिया में कॉस्टिक चलने वाला है। अगर कॉस्टिक बढ़ गया तो हाथ में जलन ले आएगा और साथ में मजा भी नहीं आएगा कि मेटेरियल में जल रहा है। सिलिका अगर बढ़ गया तो माल में फुलावट कम कर देगा और साथ में माल में इतनी दम नहीं रहेगी जो हम सोच रहे हैं। इन सब मिश्रणों का एक ही प्रोडक्ट है WSP 7, जिसमें सब मिश्रण सही तरीका से लगाना है आपको। इनका उपयोग चाहे वो मिडल रेंज डिटर्जेंट पाउडर हो, भारी वाला डिटर्जेंट पाउडर हो या हल्का वाला, तीनों में सिर्फ 1% लगाना है। ग्रीन रेवोल्यूशन टू डिक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, to decrease the transportation cost, to increase the foam height even in hard water, high TDS up to 2500, to provide hassle-free manufacturing process, to deduct the production time, to keep consistency of product, to reduce the inventory cost, to increase the detergency power in lower cost, to overcome consumer complaints, to increase the ROI, return on investment, to sustain the environment by reducing the dosage of Lapsa. Just 2-step procedures, no screening, no pulverizing required. Soft for hands and clothes, no stiffness of clothes. Improve life of clothes. A-Blue SP7 features. A-Blue SP7 is a complete blend of 18 ingredients in it. It has an excellent cleaning property. Works within both hard and soft water. High TDS up to 2500. Tested against multinational brands. Compatible with and without Lapsa. A-Blue SP7 is completely biodegradable and eco-friendly. High cleaning properties in a lower dosage. List of ingredients used in manufacturing A-Blue SP7. Glycol, optical whitening agents, esters, emulsifiers, coconut derivatives, cellulose, surfactants,
ethers, raw enzymes, binding agents, ultra clean X, leveling agents, softening agents, foaming agents, polymers, anti-redepository agents, preservatives, coloring agents. ABLUE SP7 advantages: low investment and high returns. Next generation technology helps to build the brands, saves the time of manufacturing process. What we offer: pre-tested materials, low price with better results, the customized product as per your water hardness, product consistency, customer support, live demonstration of manufacturing and testing procedures, consultancy at no cost. अब हम तीन तरह के डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं, एक भारी वाला डिटर्जेंट पाउडर, दूसरा सस्ता वाला डिटर्जेंट पाउडर और तीसरा हल्का वाला डिटर्जेंट पाउडर। तीनों बनाने के तरीके हम थोड़ा जान लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे भारी वाला डिटर्जेंट पाउडर, इसको हम प्रीमियम डिटर्जेंट पाउडर भी कहते हैं। ऊपर के सारे 9 लक्षण प्रीमियम डिटर्जेंट पाउडर में मिल जाएंगे, मगर सिर्फ एक चीज, दाग धब्बे हटने का जो मल्टीनेशनल कंपनी जिस तरह हटा रही है वो नहीं हटेगा। तो इसके लिए तीन तरीके हैं दाग धब्बे हटाने के लिए। एक तरीका है एसिड स्लरी 22% ले रहे हैं, बिल्कुल इससे दाग धब्बे हट जाएंगे, माल में झाग ज्यादा रहेगा, साथ में माल तो बन जाएगा मगर बहुत महंगा बनेगा। दूसरा तरीका है हम सिर्फ एंजाइम से क्लीनिंग ले रहे हैं, इसमें भी क्लीनिंग बहुत बढ़िया रहेगा, बेहतरीन रहेगा। जैसे हम WSP7 लेके क्लीनिंग ले रहे हैं 10% WSP7, साथ में हमने पाउडर बना दिया बिना एसिड स्लरी का, दाग धब्बे बिल्कुल निकल जाएंगे। माल बायो एंजाइम्स भी बोलते हैं, बायो पाउडर भी बोलते हैं इसे, पर झाग कम रहेगा और साथ में माल महंगा बन जाएगा। अब प्रीमियम डिटर्जेंट बनाने के लिए तीसरा तरीका उठा रहे हैं। इस तरीके में हम एसिड स्लरी और एंजाइम दोनों का ब्लेंड ले रहे हैं। अब इन दोनों का ब्लेंड से हमें दो फायदा होगा। सबसे पहले एसिड स्लरी हमने उतनी ले ली जितनी फोम की हाइट आनी चाहिए, शायद 15% के ऊपर फोम का हाइट और नहीं बढ़ेगा, तो 14-15% एसिड स्लरी ले लिए। साथ में हमने एक फोम बूस्टर जोड़ दिया है WSP7 और हल्का सा एंजाइम्स 200-400 ग्राम एड ऑन लगा दिया है। इस तरह माल बनाए, बना के आप चेक कर सकते हो, सारे लक्षण मल्टीनेशनल कंपनी के मिल जाएंगे, झाग, चिकनाहट, सफेदी, इवन वाइटनिंग के साथ दाग धब्बे उतने ही हटेंगे जितने एक मल्टीनेशनल कंपनी उठा रही है। इस प्रीमियम डिटर्जेंट पाउडर शायद हम आपसे कहते हैं कि आप जरूर बनाएं, आज शायद इसका सेल कम रहेगा, कल यही माल मल्टीनेशनल कंपनी के लिए टक्कर रहेगा। इस तरीके का माल बना के आप एक सेल्फ टेस्टिंग कर लीजिए। मैंने जैसे कहा दाग धब्बे पूरे हट जाएंगे, आपको भी अपने प्रोडक्ट पर विश्वास मिलेगा। शायद अपने प्रोडक्ट पर विश्वास करना ही प्रॉफिट के लिए पहला कदम है, फिर आपका प्रोडक्ट आपका मार्केटिंग बेहतरीन करेगा, यह हमारा दावा है आपसे। अब हम दूसरे टाइप के पाउडर मिडिल रेंज पाउडर की बात करते हैं। इसमें भी सब कुछ चाहिए जो प्रीमियम में आ रहा है, पर दाग धब्बे सामान्य तौर पर जितना निकल रहा है उतना निकलना चाहिए, सब कुछ चाहिए, दाम कम चाहिए। इस तरीके के पाउडर बनाने के लिए हम स्लरी, सोडा, नमक या डोलोमाइट या सोडियम सल्फेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। डोलोमाइट कुछ रेंज पर ले लेते हैं प्राइस सस्ता करने के लिए, साथ साथ में हम एडिटिव्स, जो भी हम मिश्रण लेने की बात कर रहे हैं उस फोम बूस्टर WSP7 1% ले रहे हैं। इस तरीके के पाउडर में हमने स्लरी करीब 10% लिया है। अब ये 10% वाला स्लरी जो हम ले रहे हैं, ये फोम लेवल यानी झाग का लेवल एकदम बॉर्डर पर है,
अगर स्लरी की गुणवत्ता गिरी तो समझ लीजिए 20-25% झाग गिर जाएगा। सबसे पहले स्लरी को टेस्ट कर लीजिए, स्लरी बिल्कुल सही होना चाहिए क्योंकि ये वाटर लेवल पर है। साथ में इसके अंदर हम जोड़ रहे एडिटिव, 1% फोम बूस्टर लगा दिया जिससे 10-20% फोम और बढ़ जाएगा, भारी पानी में बढ़ेगा। अब एक लेवल आ चुका है, इस लेवल में झाग बढ़ जाएगा, स्थिर हो जाएगा और चिकनाहट भी बढ़ जाएगी। साथ साथ में माल पूरा बर्फीला सफेद बन जाएगा, चिकनाहट भी आ जाएगी, हल्के से दाग धब्बे जो है हट जाएंगे। इस प्रोडक्ट बनाने के बाद आप खुद बोलेंगे दाम कम पर माल में दाम। अब हम तीसरा वाला डिटर्जेंट पाउडर जिसे हम लो कॉस्ट डिटर्जेंट कहते हैं, सस्ता वाला जो ग्रामीण एरिया में ज्यादा बिकता है, आप यह भी कह सकते हो आमदनी अट्ठनी और खर्चा 1 रुपया। इस प्रोडक्ट में सब कुछ चाहिए पर सस्ते में चाहिए सब कुछ। आप एक लेवल पर स्लरी सोडा डोलोमेट और नमक डालने के बाद 1% WSP7 जोड़ दीजिए। सस्ते में WSP7 का 2 फायदा है। सबसे पहला फायदा है माल पूरी तरीके से बर्फीला सफेद बन जाएगा, झाग भारी पानी में बढ़ जाएगा, स्थिर हो जाएगा, चिकनाहट मिल जाएगी और माल दानेदार बनेगा, मॉइस्चर हट जाएगा, मॉइस्चर फ्री रहेगा। इस रेंज के पाउडर में चिकनाहट को बैलेंस करने के लिए आप 1% AOS डाल सकते हो। इससे ज्यादा AOS बढ़ाने से झाग नहीं बढ़ेगा, सिर्फ मॉइस्चर बढ़ेगा। कम स्लरी में क्लीनिंग बहुत कम होता है तो जो बचा हुआ क्लीनिंग जो है वो SP7 अपने एंजाइम से उठा लेगा। कुछ लोग हमें पूछते भी है कि हमें बहुत सस्ता डिटर्जेंट पाउडर बनाना है जिसमें सिर्फ झाग चाहिए, क्लीनिंग नहीं चाहिए। पर एक चीज समझ लीजिए, जितना कपड़ा ज्यादा घिसना पड़ेगा उतना लेडीज का गुस्सा और बढ़ेगा, और जब लेडीज का गुस्सा बढ़ेगा तो अपना प्रोडक्ट कम चलेगा। तो ये मत सोचिए कि हमें सिर्फ झाग चाहिए, क्लीनिंग चाहिए, झाग के साथ क्लीनिंग भी चाहिए जो आप SP7 से उठा सकते हो। इसके अलावा माल कैसे बनाना है, पहले क्या लेना है, बाद में क्या लेना है, झाग का टेस्ट कैसे करना है, बिना एसिड स्लरी का माल कैसे बनाना है, या फिर मल्टीनेशनल कंपनी के सामने टेस्ट कैसे करना है, और झाग का स्थिरता कैसे चेक करना है, चिकनाहट कैसे चेक करना है, और कोई भी सवाल हो आपका आप हमें संपर्क कर सकते हो, हम इनका जवाब तुरंत आपको दे देंगे। एक जमाना था जहां आप हमें बुलाते थे, हम खुद आपके यहां आके डिटर्जेंट की कंसल्टेंसी देते थे। फिर एक नया दौर आया है जहां आप हमारे यहां पर्सनली बहुत दूर से विजिटिंग करने आते थे, हम अपना समय 2-3 घंटा आपके साथ बिताते थे और हम लोग डिटर्जेंट की चर्चा करते थे। अब तीसरा जमाना है जहां आपका कोई सवाल रहा या आपको कोई भी चर्चा करनी हो तुरंत आप हमें फोन करते और हम आपको जवाब दे रहे थे। साथ में हम भी 2-3 घंटे में 10-15 मैन्युफैक्चरर से चर्चा कर सकते हैं। तो आओ हम दोनों भी अपना समय का पूरा इस्तेमाल करें और जो भी प्रश्न रहा या चर्चा करना हो हम करते हैं ऑनलाइन तुरंत। इसलिए दोस्तों विजिटिंग कंप्लीटली क्लोज है। थैंक यू।